हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीटा अरोरा रेसिपीज़ चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं स्टफ्ड ब्रेड और इसे हम पाव भाजी के फ्लेवर में बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में 3/4 छोटी चम्मच ड्राई ईस्ट डालेंगे। अगर आपके पास फ्रेश ईस्ट है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच चीनी या फिर पाउडर शुगर डालेंगे। अब हम इसमें 1/4 कप गुनगुना या ल्यूकवार्म पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे ढककर रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक इसके ऊपर हल्की सी झाग आ जाएगी, या आप कह सकते हैं फ्रॉथी हो जाएगा थोड़ा सा। और ये देखिए 10 मिनट ही हुए हैं और ये अच्छे से फ्रॉथी हो चुका है। इस मीन्स कि जो ईस्ट हमने इसमें यूज़ किया है वो अच्छे से एक्टिवेट हो चुका है। अब हम इसमें 1 कप मैदा डालेंगे, 1 छोटी चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच नमक डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना दूध डालेंगे और इसका बिल्कुल सॉफ्ट डो लगा के तैयार करेंगे। आप ध्यान रखें कि जब भी हम किसी भी तरह की ब्रेड बनाएं तो जो डो है या जो आटा मलना है वो हमें सॉफ्ट ही मलना चाहिए, तभी हमारी ब्रेड एकदम सॉफ्ट बनेगी। आटा लग चुका है तो अब हम इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 5 मिनट के लिए हम आटे को अच्छे से मल लेंगे, या जब तक ये अच्छे से चिकना नहीं हो जाता या स्मूथ नहीं हो जाता। और ये देखिए जो आटा है एकदम स्मूथ हो चुका है। अब हम इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे और इसे बॉल में रखेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि ऊपर से ड्राई ना हो। अब हम इसे गीले मलमल के कपड़े से ढक देंगे और किसी भी गर्म जगह पर रख देंगे 1 घंटे के लिए, या जब तक ये फूल कर डबल नहीं हो जाता। और तब तक हम इसके लिए स्टफिंग की तैयारी करेंगे। स्टफिंग के लिए हम कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, साथ ही इसमें 1 चुटकी हींग डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। इसे कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। जीरा भून गया है तो अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे हल्का भूरा होने तक भून लेंगे। अब हम इसमें 1 प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ। इसे कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 शिमला मिर्च जिसे हमने बारीक काट लिया है डाल देंगे और इसे 1 मिनट के लिए पका लेंगे। हम सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब हम इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला और 1 बड़ा चम्मच पाव भाजी मसाला डालेंगे। आप ध्यान रखें कि इस समय जो गैस का फ्लेम है हमें लो ही रखना है, वरना मसाले जल्दी जल सकते हैं। अब हम इन्हें कुछ सेकेंड्स के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें 4 उबले और मैश किए हुए आलू डालेंगे और इसे मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे, साथ ही 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी एकदम चटपटी सी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। और 1 घंटा हो चुका है, अब हम आटे को चेक कर लेते हैं। ये देखिए आटा एकदम फूल कर डबल हो चुका है। अब हम इसे बोर्ड पर निकाल लेंगे, आप इसकी जाली भी देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़केंगे और पहले इसका पेड़ा बना लेंगे और फिर अब हम इसे बेलना शुरू करेंगे। हमें इसे हल्का सा मोटा ही रखना है क्योंकि हम इसकी ब्रेड बना रहे हैं, और इसका साइज़ आप अपने बेकिंग टिन या बेकिंग ट्रे के हिसाब से रख सकते हैं, छोटा या बड़ा। अगर आप छोटी ब्रेड बना रहे हैं तो इस इतने डो में से 2 आप तैयार कर सकते हैं, पर मैं क्योंकि बड़ी बना रही हूँ तो मैं इसलिए एक ही बारी में बड़ी ब्रेड बना रही हूँ, देखिए। और इसकी मोटाई हमें परांठे से थोड़ी सी ज़्यादा ही रखनी है क्योंकि हम इसकी ब्रेड बना रहे हैं। और ये हमने इसे बेल लिया है और अब हम ये बेकिंग ट्रे ले लेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे अच्छे से, और इसके ऊपर ये हम मैदे की शीट रख देंगे जो भी हमने बेली है। और अब हम इसके ऊपर बटर लगा देंगे। बटर लगाने से जो इसमें बहुत ही अच्छा ब्राउन गोल्डन कलर आ जाता है बेकिंग के बाद। अब हम इसे 8 भागों में बांट देंगे पिज़्ज़ा कटर की मदद से, जैसे कि हम पिज़्ज़ा काटते हैं। हमने इसे 8 भागों में काट लिया है और अब हम 1 से 2 चम्मच स्टफिंग लेंगे और इसके बाहर की तरफ एक ट्रायंगल पर रख देंगे इस तरह से, और बाकी सारे ट्रायंगल या शीट पर भी हम इसी तरह से आलू की स्टफिंग रख देंगे। कम या ज़्यादा आप अपनी पसंद से रख सकते हैं। और अब बीच के किनारों पर हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे इस तरह से, और फिर एक एक किनारा उठाएंगे और इसे उठाकर बाहर की तरफ लाते हुए इस तरह से चिपका देंगे, या हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये अपने आप चिपक जाएगा। ये देखिए हमने इसको सभी को इस तरह से तैयार कर लिया है। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा देंगे फिर से,
और अब हम इसे ढक करके रख देंगे। या मैं सोलिफिन शीट से कवर कर रही हूँ, आप चाहें तो गीले मलमल के कपड़े से भी कर सकते हैं। आधे घंटे के लिए फिर से गर्म जगह पर रख देंगे ताकि ये थोड़ी सी फूल जाएगी। और आधा घंटा हो चुका है, हमने अपने अवन को 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए पहले ही प्री हीट कर लिया है। और अब हम उसमें ये ट्रे रख देंगे और हम इसे 180 डिग्री पर ही 10 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। और ये 5 मिनट में ही इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ चुका है, तो अब मैं इसे फॉइल पेपर से कवर कर रही हूँ ताकि ये ज़्यादा डार्क कलर ना हो जाए इसलिए। और ये देखिए एग्जैक्ट 10 मिनट ही हुए हैं और ये हमारी ब्रेड तैयार हो चुकी है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा बटर लगा देंगे ताकि ये सॉफ्ट रहेगी। और ये देखिए अब मैं आपको ये तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लग रही है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल रीटा रोरा रेसिपीज़ को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और पास ही लगे बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।